इस समय भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में इस साल SCO के अध्यक्ष के रूप में भारत में इसकी कई बैठकें होने वाली हैं। इस क्रम में विदेश मंत्रियों की बैठक मई में गोवा में होगी, जबकि रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल महीने में नई दिल्ली में होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत ने SCO समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने इस निमंत्रण के बारे में कहा है कि उसने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी या रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत में होने वाले SCO समिट की बैठकों में शामिल होंगे या नहीं। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने कहा कि इस बारे में उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच अनबन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। फिर उसी साल भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा भी कर दिया। इन सब के वजह से दोनों देशों के रिश्ते और भी बिगड़ते चले गए। आपको बता दें कि SCO की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में बीजिंग स्थित SCO के स्थायी सदस्य बने थे। इस संगठन में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस संगठन का मकसद सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। हर साल SCO की बैठक आयोजित की जाती है। फिलहाल भारत इसका अध्यक्ष है।